चारों तरफ एक ही सवाल है, पीएसयू बैंक में तेजी क्यों है? टीवी पर अगर आप जाएंगे तो सिर्फ एक शब्द आएगा, बैड बैंक। लेकिन क्लाइंट को तो नहीं पता क्या है बैड बैंक। अब हम सिर्फ 3 मिनट में ये समझते हैं कि बैड बैंक क्या है। ए बैंक, ये क्लाइंट है और ये बैंक है। बैंक ने क्लाइंट को लोन दिया और क्लाइंट ने डिफ़ॉल्ट कर दिया और क्लाइंट जो है वो बन गया एनपीए, राइट? उसने 2 ईयर्स 3 ईयर्स 4 ईयर्स तक पेमेंट ही नहीं किया। अब वो जो बैंक है उसकी बैलेंस शीट को गिराएगा, रिफ्लेक्ट करेगा बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट जो है ख़राब हो जाएगी। गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि बैलेंस शीट ख़राब ना लगे और बैंक की जो है फंक्शनिंग रुके ना और बैंक की फंक्शनिंग स्मूथ हो जाए, ये डिसाइड किया कि क्यों ना उन एनपीए को, सारे एनपीए को बैंक से ले लिया जाए। अब लेंगे कैसे, एनपीए को कैसे लिया जाता है? सिंपल है, 100 रुपीज़ का अगर एनपीए था, मैं उसको 90 रुपीज़ में ख़रीद लूँगा बैंक से, बैंक को 90 रुपीज़ मिल जाएंगे। अब जैसे ही मैंने एनपीए ख़रीद लिया गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट क्लाइंट से पूरी कोशिश करेगी रिकवरी करने की और 100 रुपीज़ रिकवर कर लेगी। गवर्नमेंट का प्रॉफिट क्या, 100 माइनस 90 10। बैंक को सिर्फ 10 रुपीज़ का लॉस होगा, लेकिन एटलीस्ट 100 रुपीज़ के लॉस से तो 10 रुपीज़ का लॉस अच्छा है। अच्छा, गवर्नमेंट की कौन सी संस्था एनपीए खरीदेगी और क्लाइंट से फिर रिकवरी करेगी? वो उसको कहेंगे हम ERC, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। कुल मिला के इन नटशेल, बैड बैंक का मतलब है जितने भी एनपीए है उसे गवर्नमेंट बाय कर लेगी डिस्काउंटेड रेट पे और बीच में उसका जो है कमीशन होगा, वो क्लाइंट से रिकवर कर लेगी और बैंक्स के ऊपर रिकवरी का हेडेक कम हो जाएगा और उनकी बैलेंस शीट जो है वो क्लीन हो जाएगी। इस स्पेकुलेशन की वजह से PSUs में खरीदी आ रही है, क्योंकि PSUs के पास ही सबसे ज़्यादा NPA हैं। अब होगा क्या,